पाकिस्तान के कश्मीर राग पर कुमार विश्वास ने एक तगड़ा बयान दिया है, जिसके बाद कवि कुमार का बयान सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। वैसे आए दिन कुमार विश्वास पाकिस्तान को उसी की भाषा में समझाते रहते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिलावल की टिप्पणी हो या पाक मंत्री शाजिया की भारत को दी हुई परमाणु धमकी हो। कुमार विश्वास देश के दुश्मनों पर जमकर बरसते हैं और ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने कश्मीर मांगने वालों को चीरने की बात कह दी है। जी हाँ, कुमार विश्वास ने ट्वीट करते हुए लिखा है, दूध मांगोगे दूध देंगे, खीर मांगोगे खीर देंगे, अगर अलापोगे राग बिलावल, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। दरअसल ये ट्वीट उन्होंने ब्लिंकिट और जोमैटो के पोस्टर पर दिया है, जहां उन्होंने अपने पोस्टर पर लिख रखा था कि दूध मांगोगे दूध देंगे, खीर मांगोगे खीर देंगे। अब इसी पर कुमार विश्वास ने रिप्लाई करते हुए ये ट्वीट कर दिया, जिस ट्वीट के नीचे कई सारे यूजर्स कमेंट करने लगे। एक यूजर ने लिखा कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर कश्मीर भारत का है, ये पाकिस्तान क्यों नहीं समझता है। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि लाहौर भी छीन लेंगे। अर्पित मिश्रा नाम के एक यूजर ने लिखा कि कुमार विश्वास गुरुवर अलापोगे गर राग बिलावल, तो लाहौर कराची सब ले लेंगे। इसके बाद वैभव ने लिखा कि कुमार विश्वास सर अंतिम पंक्ति में बदलाव, दूध मांगोगे दूध देंगे, खीर मांगोगे खीर देंगे, अलापोगे गर राग बिलावल, घर में घुस के चीर देंगे। एक और यूजर ने लिखा कि अगर कश्मीर मांगोगे तो पीओके भी छीन लेंगे। वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी, तभी कुमार विश्वास ने पाकिस्तान की लंका लगा दी थी। ट्वीट करते हुए कवि कुमार विश्वास ने जोरदार हमला बिलावल भुट्टो पर बोला था। कुमार विश्वास ने अपने ट्वीट में लिखा था कि नाना और माँ के सबक से चैन नहीं पड़ा चंपक, क्यों खामखा भरी जवानी में घर वालों से मिलने की चाह रख रहे हो बच्चे, जिसके बाद कुमार विश्वास की काफी तारीफ हुई थी। आपको बता दें कि कुमार विश्वास लगातार पाकिस्तान को सबक सिखाते रहते हैं और अगर उनके तरफ से कोई भी विवादित टिप्पणी की जाती है तो यहां से वो बिना शस्त्र उठाए अपने कलम से ही पाकिस्तान को सबक सिखा देते हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप